रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने वंदे भारत ट्रेन पर हुए हमले को साझा किया है। इस ट्रेन से खुद चंद्रशेखर सफर कर रहे थे। दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। नगीना यूपी से सांसद चंद्रशेखर आजाद के आगे वाली सीट का शीशा टूटा। ये घटना बुलंदशहर यूपी में हुई। यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि हमला दिल्ली से कानपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन पर किया गया। सांसद के अनुसार जब ट्रेन बुलंदशहर से आगे पहुंची तो उस पर पत्थर फेंके गए। सांसद ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, आज सुबह मैं वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहा था। सुबह लगभग 7:12 पर ट्रेन ने जैसे ही बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन को पार किया, तभी बाहर से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंके, जिससे मेरे से 2 सीट आगे बैठे यात्री के पास का शीशा चकनाचूर हो गया। इस घटना से मैं हतप्रभ और स्तब्ध रह गया। इस पोस्ट के साथ चंद्रशेखर ने ट्रेन की खिड़की के चटके हुए शीशे की तस्वीर भी साझा की है, जिस पर पत्थर फेंका गया था। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, हालांकि ये राजनीतिक नहीं है, मुझे नहीं पता आपके लिए इसके कोई मायने है या नहीं, लेकिन अभी मैं ट्रेन का सफ़र करके आ रहा हूँ वंदे भारत से। C3 जिस बोगी में मैं था, जैसे ही ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका, जिसमें मुझसे आगे 2-3 जो चेयर से उनके आगे वाले जो एक यात्री थे, उनका शीशा चकनाचूर हो गया, उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गांव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। तो इसलिए मैं देश के जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो इस आंदोलन में आस्था, उन सबसे अपील करता हूँ कि कभी भी ऐसे किसी कृत्य का हिस्सा ना बने जिसमें देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो या किसी का भी नुकसान हो। ये अच्छा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से, केंद्रीय रेल मंत्री जी से और प्रशासन पुलिस से ये मांग करता हूँ, करोड़ों रुपए का नुकसान भी रेलवे का हो रहा है, जनता का नुकसान है, तो कभी कभी गैर जिम्मेदारी में, लापरवाही में हम अपना ही नुकसान करते हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका नुकसान होगा, कल उन पर कार्रवाइयाँ होंगी, ये नासमझी खतरनाक है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सभी जागरूक नागरिकों से, उनके माता पिताओं से, बच्चों के और उनके परिवार के लोगों से, कि ऐसी किसी भी घटना के लिए सबसे पहले स्वतः अपने बच्चों को घर पर जागरूक करें और फिर स्कूल में भी इसको बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है।